आज आपको दिखाना है ओला स्कूटर म्यूजिक का फीचर कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी ये ब्लूटूथ है यहाँ पे। अब करना क्या है, ब्लूटूथ को यहाँ से चालू करना है। तो ब्लूटूथ यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आप इसको टैप करिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ब्लूटूथ इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओला आ रहा है, ओला S1 लिखा हुआ। और ये जो है ना पवन सर जी, मैंने अपना ओला का ही नाम चेंज कर दिया। तो ये है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखा दिया डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ से आप हट जाइए। ये वाला जो है इससे नहीं कोई मतलब है। ये मैं लोकेशन डाल करके सर्च कर रहा था। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ देखिए म्यूजिक का ऑप्शन आएगा। यहाँ से अगर बैक करके जाएंगे तो मैं म्यूजिक प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ कैसा प्ले होता है। तो साउंड यहाँ से आप उसका घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जो ये साउंड वाली बटन है, यहाँ से आप साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये साउंड फुल हो गया। इसके बाद से मैं आपको प्ले करता हूँ कोई सॉन्ग और आपको सुनाता हूँ। NCS ज़्यादा प्ले करेंगे ये, पहले मैं इसको प्ले करता हूँ सुनता हूँ। ये देखिए यहाँ जैसे मैंने टैप किया यहाँ पे ऑलरेडी प्ले होगा। अगर पेयर होगा आपका फ़ोन तो यहाँ से हम प्ले करते हैं। अभी ये बंद हो गया, अब यहाँ से चालू हो गया। देखिए तो ये देख सकते हैं ये प्ले होता है इस तरीके से। बट मैं NCS चलाता हूँ, NCS सही रहेगा क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है। तो NCS हम म्यूजिक प्ले करेंगे। ऐसे गाने हम बहुत जो होते हैं ना पुराने अच्छे लगते हैं, पुराने गाने इसमें ज़्यादा सुनते हैं। और मेरे लिए म्यूजिक का फीचर काफ़ी अच्छा है, कभी दूर जाते हैं तो वो थोड़ा सही रहता है। तो एक बार हम इसमें गाना प्ले करता हूँ जो भाई साहब। तो चलिए NCS प्ले करते देखते हैं। ये देखिए NCS मैंने प्ले किया। इसको दबाने से बंद हो, मतलब गाड़ी अगर चला रहे हैं तो इसको दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। इसको दबाने से ट्रैक जो होता है, इधर चलाते समय बता रहा हूँ, अभी तो ये टच काम करेगा लेकिन जब चला रहे होंगे, अब मैं चला के दिखाता हूँ। ये गाड़ी चल रहा है तो यहाँ पे ट्रैक वाला जो चेंजिंग वाला सिस्टम है वो हट चुका होगा। तो ये आपको देखने को मिला। अब यहाँ मैं दबाऊंगा तो ये क्या होगा, फिर पीछे चला जाएगा। देखिए ये हमारा चला गया पीछे, अब यहाँ से प्ले होगा। ये मज़ा आता है रोड पे। तो चलिए मैं फाइनली आप बता दूं पूरा कैसे क्या करना है। सबसे पहले ब्लूटूथ सर्च करना है, उसमें आपको ओला S1 नाम से होगा उसको आपको कनेक्ट कर लेना। फिर ओला म्यूजिक सिस्टम को आपको कनेक्ट कर लेना है। वो कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, और जब हो जाएगा तो अगर इसको देर तक दबाते हैं तो म्यूजिक जो होता है वो फॉरवर्ड होता है, इसको देर तक दबाएंगे तो म्यूजिक बैकवर्ड होगा, तो आगे पीछे इससे हो जाता ट्रैक। इसके अलावा अगर इसको आप ऐसे सिंगल प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो देखिए इस तरीके से अप डाउन होता है। अगर इसको मैं देर तक दबाऊं, देखिए इसको मैं देर तक दबाऊं तो यहाँ पे जो चेंज हो गया, ये देखिएगा ये चेंज हो गया। अगर इसको दबाएंगे देर तक इसको तो इधर से देखिए ऐसे चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से इसको दबाने से क्या होता है, म्यूजिक जो होता है वो बंद हो जाता है। सिंगल प्रेस करेंगे इधर वाला तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो अप होगा। देखिए यहाँ से देर तक दबाने से म्यूजिक चेंज हो जाता है। यही म्यूजिक का पूरा फीचर था जो कि आप आराम से यूज कर सकते हैं मूव ओएस आने के बाद में, और काफ़ी अच्छा खासा ये काम भी करता है। यहाँ मैं देखिए प्ले करता हूँ, थोड़ा सा और चलाते हैं और सुनते हैं इसको कैसा काम करता है। ये चल रहा है।